शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, लिहाजा मंत्री दत्ती गांव ने कान वन में करोड़ों की सौगात देकर एमपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर है, ऐसे में बदनावर विधानसभा में फिर से कमल खिलाने के लिए क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव कानवन में करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी ने कानवन में 3 करोड़ की लागत से बनने वाले सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण किया, साथ ही अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जनता को संबोधित करते हुए मंत्री दत्ती गांव ने कहा कि मैं कानवन और चामला क्षेत्र का सदैव ऋणी रहूंगा, मैं इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलकर बदनावर कानवन को विकास का मॉडल बनाया जाएगा। ईमानदारी से हमने काम किया है, ईश्वर और ईमान दोनों में अपने साथ लेके चलता। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए 30-40 पैसे का भी कोई मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में एक सरपंच खड़ा होकर कह दे भाजपा है कांग्रेस का, जब मेरे पिता के लिए कह दे तो भाजपा है कांग्रेस का, कोई कार्यकर्ता उठ के कह दे 30-40 पैसे का भी कह। पहली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर पार्टी टिकट देगी, ना पिछले ना 6 लड़ा, 2 मेरे पिता लड़े। इतना तो मुझे बदनावर के विधानसभा का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं। और मैं आपको फिर से कह दूं, सोमानी जी सही कह रहे थे, पिछला चुनाव जब हम लड़े उपचुनाव सब साथ लड़े, खेमरा जी हमारे चुनाव के संचालक, डॉक्टर साहब प्रहलाद सिंह जी हमारे चुनाव के उप संचालक, तमाम सारी टीम बैठी हमारे साथ, गांव गांव गली गली सब जगह हम गए और विपक्ष ने हम पे आरोप लगाया कि ये उपचुनाव बदनावर पे थोपा जा रहा। विपक्ष ने हम पे आरोप लगाया कि उपचुनाव मध्य प्रदेश पे थोपा जा रहा। बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री दोनों आए इस विधानसभा में दौरा करने। एक उप मुख्यमंत्री जो कुछ समय पहले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कुछ समय पहले भूतपूर्व बने थे और एक सभा में कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा था कि आप उनसे एक सीधा सा सवाल पूछें कि उनके पूरे जीवन में कितनी बार उपद्रव हो रहा है, शायद 2 या 3 बार मत। एक और पूर्व मुख्यमंत्री यहां पे आए तब प्रचार कर रहे, तब भी मैंने सवाल किया था कि ये बताए कि वो अपने पूरे जीवन में बदनावर कितनी बार है, जब तक मेरे पिता जिंदा रहे तो एक बार भी नहीं आया। और जब वो आए तो बिड़वाल के सभा में जो गाना आया था कि उसी दिन हमारी बिड़वाल के सभा उसी दिन पधारे थे, मैंने कहा था क्या हाल थे 2003 में जब चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री वो थे और उसके बाद नहीं रहे, जनता ने सबने मिलके कहा था वो गड्ढों के राजा उजालों के दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब उठा गया। ये गाना ही पूरा हाल मध्य प्रदेश का बताता है। कुल मिलाकर मंत्री दत्ती गांव बदनावर में फिर से भाजपा का झंडा बुलंद करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बदनावर।